हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज की स्थापना के बारे में क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये यूपी जूनियर के लिए है, सामाजिक विज्ञान का जो हिस्ट्री का है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। भारत के व्यापारिक लाभ को देखते हुए 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल के लोगों ने भारत आने के मार्ग को ढूंढना आरंभ किया। इसी क्रम में जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वर्ष 1492 ईस्वी में अटलांटिक महासागर पार कर कहां पहुंच गए थे, अमेरिका पहुंच गए थे। कोलंबस को ही अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। और भारत की खोज को किसको दिया जाता है, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, मतलब रास्ते को, भारत जाने वाला जो रास्ता है समुद्री उसको खोजा था। और किस सन में, तो 1498 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको नाम से जानी गई? तो कैलिको एक सूती कपड़ा था, सूती कपड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं तो सूती कपड़ा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, मसालों की तलाश में जब प्रथम बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में घेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेकर आए। कालीकट से निकले शब्द को ही कैलिको कहने लगे। बाद में इस तरह के सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा, मतलब कालीकट का सूती कपड़ा है तो कैलिको, ठीक है। विशेष 18वीं शती तक इंग्लैंड में भारतीय सूती कपड़े की अत्यधिक मांग और लोकप्रियता का कारण इस पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम भी पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन था? तब मार्को पोलो अन्वेषक था, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मार्को पोलो कहाँ से आया था, तो वेनिस से आया था जो कि इटली में है। 13वीं शताब्दी के अंत तक कहाँ पर, दक्षिण भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुगल कालीन भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। 20 मई 1948 को पुर्तगाली या वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। और भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का इस प्रकार है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश और फ्रांसीसी जो है सबसे बाद में आए। तो सबसे पहले कौन आए, सबसे बाद में, ये काफी पूछा जाता है तो आप इसको भी याद करके रखेंगे। अगला है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? तो फ्रांसीसी यात्री ट्रेवियन है और ये फ्रांस के हैं, उन्होंने 6 बार जो है यात्रा की थी। अगला स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? तो वही पांडिचेरी है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक अरविंदो घोष आश्रम पांडिचेरी में स्थित है। अरविंदो जी जो है पहले बहुत उग्रवादी नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने, इनका जो दिमाग है ऐसा बदला कि फिर ये इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया और आश्रम को ओरोविले आश्रम के नाम से भी जाना जाता। पांडिचेरी पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था। अगला है, ए और आर कथन है और 18वीं-19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। तो ए है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और क्यों, क्योंकि 18वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्र राज्यों में लोगों को यह बोध कराया जाता था कि प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है तथा प्रत्येक भाषी जो है समुदाय एक अलग राष्ट्र है। इसी आधार पर जर्मन और इटली जैसे देशों का एकीकरण किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? औपनिवेशवाद कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जब कोई एक राष्ट्र जैसे कि इंग्लैंड और पिछड़े राष्ट्र जैसे भारत, एग्जाम्पल है ये, तथा कमजोर राष्ट्र, कमजोर कौन हुआ तो भारत हुआ, पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक नीति को जब जबरदस्ती लागू करते हैं, उस देश के आर्थिक प्राकृतिक संसाधन का दोहन करता है, इससे कमजोर तथा पिछड़े राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवर्तन आता है, तो ये जो है क्या कहलाया जाएगा? औपनिवेशीकरण कहलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? के अंतर्गत बुनकर सौदागर के बीच क्या है? निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? यहाँ पर मतलब दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम क्या है ये बताना है। तो सौदागर द्वारा क्या है, मतलब एक एक व्यक्ति है वो सौदागर है, एक व्यक्ति है, तो इसको हम क्या दे देंगे? कच्चा माल दे देंगे, जैसे कि हमने कॉटन दे दिया। अब ये जो व्यक्ति है इससे क्या बनाएगा? कपड़ा बनाएगा। अब ये ही कपड़ा फिर हम उसे खरीद लेंगे सस्ते दाम पर, तो ये जो प्रथा हो गई, और फिर इसी सस्ते दाम से खरीदकर हम एक बाजार में उसको हम अपने अनुसार बेच सकते हैं, तो इस प्रथा को दादन पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। तो इसमें सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। अगला है, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच, अभी जो दादन व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे लेज है, लेज का जो आलू है, ठीक है, आलू, अब ये जो आलू का बीज है वो हम किसको दे देंगे? किसानों को दे देंगे कि आप इस बीज को बो और फिर क्या है, इनसे आलू लेकर क्या बना देंगे? चिप्स बना देंगे। मान लो आलू हमने 10 रुपए या 5 रुपए जो भी है उनकी कीमत किसानों को दे दी और फिर क्या है, चिप्स बनाकर हमने उसका दुगना तिगना कमा लिया। तो पुटिंग आउट सिस्टम कुछ इस तरह से भी आज के टाइम में हम देख सकते हैं। तो ये अंग्रेजों के टाइम था, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर तथा सौदागर के बीच व्यापार का रूप था। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। इस व्यवस्था में बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता था। वैसे ही जो लेस वाला आलू है तो लेस वाले खुद ही किसानों को देते हैं, तो उनको क्या है, आलू के बीज, मतलब आलू का बीज जो खरीदा करते हैं उसको किसान नहीं खरीदते, क्योंकि वो जो लेस वाले हैं वही उनको आलू दे देते हैं, तो अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, किंतु वे पूरी तरह से सौदागर पर निर्भर होते हैं और वह तैयार कपड़े को बेच रहे। अब ये जो आलू है, लेज वाला जो आलू है वो किसी और को जो है किसान नहीं बेच सकेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लेज वाला जो आलू है उन्हीं को, जिन्होंने उनको बीज दिया होगा वही आलू ये सारा का सारा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वह तैयार कपड़ों को बेचने के लिए भी सौदागरों पर निर्भर रहता है। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं रहता है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और यह किस कीमत पर बेचा जाएगा। आगे है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ए यहाँ पर फौजदारी ये गलत है और बी जो है सही है।
बंगाल की गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने 1772 में दीवानी और फौजदारी न्यायालय को श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था का निर्माण किया। दीवानी अदालत में राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई होती थी। हर जिले में एक दीवानी अदालत स्थापित की गई, जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालत थी। इसके प्रधान भी यूरोपवासी होते थे। इसके नीचे अनेक छोटी अदालतें होती थी, जिससे प्रधान भारतीय जज होता था। अतः उपयुक्त जो है व्याख्या से ए गलत हो जाता है और बी क्या है सही हो जाता है। आगे है महलवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रणालियों के संबंध में। आगे है ए, महलवाड़ी व्यवस्था प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उपयुक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलन राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयत में किसानों से सीधा समझौता किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोनों ही सही हैं और ए और बी दोनों सही और राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें ब्रिटिश नियंत्रण पर भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब इन सब पर लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कुछ ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र 30% हिस्सा था। इस व्यवस्था के तहत क्या है, भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था तथा गांव के मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हार्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था हार्ट मैकेंजी द्वारा। अब रैयतवाड़ी को देखते हैं, तो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड। मुनरो और रीड ने रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी और रीड राज से रैयतवाड़ी, राज से रीड, उन्होंने इसे सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में जिले में लागू किया था। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम का कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। भूमि पर किसानों का मालकीना हक होता था तथा वे स्वयं सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग के 51 क्षेत्र में लागू थी। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि ए और आर दोनों के बीच के अंतर को सही स्पष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो बिल्कुल अकबर जो थे वही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने घोषणा पत्र के से द्वारा हुई थी। लंदन के व्यापारियों को कंपनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी देश के साथ क्या करना था? व्यापार करना था। आगे, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री आरंभ की थी तो सूरत में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग में नहीं है बताना है। तो कार्नवालिस स्थाई बंदोबस्त, विलियम बेंटिक सती, लिटिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और रिपन जो है वो है रोलेट एक्ट। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, कार्नवालिस का सही। अब जो रोलेट एक्ट है वो किसके, चेम्सफोर्ड के साथ रिलेटेड है, क्योंकि 1919 में वायसराय चेम्सफोर्ड के शासन में ही रोलेट एक्ट आया था, ना कि रिपन के समय में। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है। अगला है, और रिपन को क्या कहते हैं, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको, रिपन को। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी थी, तो स्थाई समझौता। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा स्थाई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें कंपनी एवं जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता हुआ। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। इस व्यवस्था को तालुकदारी व्यवस्था या इस्तमरारी या
जमींदार व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो महलवाड़ी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगी। अंग्रेजी शासन में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया और यह प्रथा राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी जिसे गंगा के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी गांव के मुखिया के साथ राजस्व के लिए अनुबंध करते थे। गांव का राजस्व वसूलने का तथा जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो सही बताना है सुमेलित कौन है, लॉर्ड कार्नवालिस, वालिस स्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, लॉर्ड कैनन सती प्रथा, सारे के सारे तो गलत हैं और जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का, लॉर्ड कैनन को 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था वाइस और फिर और यही क्या है प्रथम वायसराय बने। आगे लॉर्ड डलहौजी विलय नीति और वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कार्नवालिस ने राजस्व व्यवस्था की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? तो इस्त मरारी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगी, यानी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो इस्त मरारी हो या स्थायी बंदोबस्त हो, ये सारी की सारी क्या है, एक ही है। इसमें क्या है, जमींदार व्यवस्था या इसको इस्तमराई व्यवस्था भी कहते हैं, और इसमें क्या है, जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और इन्हीं से क्या है वसूला जो राजस्व जो है जमींदार को ही देना पड़ता था। जमींदार जो है किसानों से काफी धन प्राप्त मतलब राजस्व प्राप्त करते थे ताकि अपनी पूर्ति भी हो सके और किसानों और अंग्रेजों की पूर्ति भी हो सके। इस व्यवस्था को 19% भाग पर लागू किया गया था। आगे है, कृषि के क्षेत्र में तीन कठिया व्यवस्था का संबंध था? बिल्कुल, तीन कठिया पद्धति जो है बिहार से संबंधित थी, मतलब वहां पर नील की खेती की जाती थी। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध जो है बिहार राज्य से था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के साथ बिहार में किसानों को अपनी भूमि के एक बीघा जमीन में से तीन कट्टे भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के विरोध में वर्ष 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम कब बनाया था? तो ये बनाया था 1865 में बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई लगाने के लिए वर्ष 1865 में वन अधिनियम जो है पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? तो ये आंसर हो जाएगा 13% हो गया। अंग्रेज नीतियों के फलस्वरूप भारतीय सूती कपड़े के निर्यात में हिस्सा जहां 1800 ईस्वी में 30% था वही 1870 में घटकर 13% हो गया था। मतलब 1800 में 30% था और फिर 70 में मतलब 70 सालों के बाद क्या है 13% हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के समय में, वारेन हेस्टिंग के ऊपर ही चलाया गया था महाभियोग। पिट्स इंडिया 1784 के विरोध में इस्तीफा देने के कारण वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश सांसद वर्ग के द्वारा महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को सभी आरोपों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया था। बिदरी क्या था? तो बिदरी एक प्रकार का बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था। ठीक है, तो यहाँ पे जड़ाऊ काम तांबे या चांदी पर जो जड़ाऊ काम थे उसको
बिदरी कहा जाता था। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां फैक्ट्री अपना काम चला सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1691 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की ताकि बंगाल को व्यापार करने का एक आधार मिल जाए तथा वहां से फैक्ट्री कंपनी अपना काम चला सके। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य रूप से के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया, तो आंसर हो जाएगा सी, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए दीवानी राजस्व का प्रयोग किया गया था। अगला, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने, तो रिक्त स्थान यहाँ पर क्या आएगा, के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया था, सूती कपड़ा था, सूती कपड़े के इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंग्लैंड में भारतीय छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। अगला है, दस्तक शब्द का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन, शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक शब्द का जो तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से है। बंगाल में इसी दस्तक का प्रयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया था जिसे बारिंग हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रांत में रैयत राजस्व प्रणाली को लागू किया गया, तो हमारा मद्रास है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण भारत के प्रांत में थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था, रीड और मुनरो द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मुनरो है, रीड नहीं है, तो राज से रैयत, राज से रीड, ऐसे, और मुनरो भी साथ में थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व के लिए सरकार तथा किसानों के मध्य सीधा संबंध था। अगला है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पर जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जबकि वारन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, भारत में प्रभावी प्रशासन प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था, तो भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। भारत में प्रभावी प्रशासन तथा विकसित करने के लिए भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को अपनाया। भू राजस्व को एकत्र करने के लिए स्थायी प्रणाली रैयत वाड़ी प्रथा तथा महलवाड़ी प्रथा को अपनाया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित था, तो लॉर्ड मैकाले किससे, शिक्षा से संबंधित था। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के संबंधित है। लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की परिषद से विधि सदस्य थे। मैकाले को भारतीय शिक्षा पद्धति पर नियुक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधार थे। इसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र को मैकाले मिनट की संज्ञा दी जाती है। मैकाले का कथन था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो तन से तो भारतीय होगा लेकिन मन से क्या होगा, अंग्रेज रहेगा। आगे है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ है, तो ए ऑप्शन, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया था, ठीक है, बड़ा बाजार बन गया था। आगे है व्याख्या देखते हैं, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक विकास और अंग्रेजों ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में प्रयोग किया और जहां उद्योगों से निर्मित उत्पाद को बेचा जाता था। हिंद चीन उपनिवेश था, तो हिंद चीन उपनिवेश था किसका, तो इंग्लैंड का, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नील की खेती के दो प्रमुख प्रणाली थी, तो यहाँ पर नीच और रैती, दो प्रमुख प्रणालियां थी, नीच और रैती। अगला, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो आंसर हो जाएगी उनकी गतिविधि प्रतिबंध हो गई थी।
परीक्षा उपयोगी सार हैं। 1510 में गोवा पर अधिकार करने वाले पुर्तगाली जो थे वो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, वो मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को भारत में सूरत नामक जगह पर फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की आज्ञा संबंधी पत्र जारी किया था। तो जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1651 में। अंग्रेज व्यापारियों को उस जमाने में कहा जाता था, तो क्या फैक्टर कहा जाता था, फैक्टर। आंध्र प्रदेश में मूसलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई हॉलैंड वासियों ने। बंगाल में अंग्रेजों की जीत शुरू हुई थी प्लासी की जंग से। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान भारत अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव में। ये पहले क्लर्क थे, फिर सेनापति बनाए गए थे। बंगाल में नई शासन व्यवस्था, द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी किसने, अंग्रेजों ने। मैसूर का प्रथम युद्ध जो हैदर अली व अंग्रेजों के बीच हुआ था और समाप्त हुआ तो मद्रास की संधि से। मैसूर के दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध की कमान संभाली और तैमूर का मैसूर का उत्तराधिकारी बना कौन, टीपू सुल्तान। मैसूर का तृतीय युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, कार्नवालिस ने। अधिग्रहण की नीति के आधार पर सबसे अंत में कंपनी साम्राज्य में मिलाया जाने वाला राज था अवध। वो नगर जिसको मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, तो सूरत। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व इकट्ठा करने का जिम्मा सौंपा था गांव के मुखिया को। यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी गिरावट का खतरा दिखाई देता था, तो नील हो गया। नील बगान के मालिक के खिलाफ थे चंपारण आंदोलन में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारी गुमाश्ता थे। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में एक राजस्व इकाई थी महाल की। बड़े उपजाऊ क्षेत्र की आवश्यकता होती थी नील की खेती के लिए। ज्यादा मजदूर व ज्यादा हलों की जरूरत होती थी नील की खेती के लिए। भारत में पहली सूती कपड़ा की मिल स्थापित हुई थी 1854 ईस्वी में। चित्र शैली का वह रूप जिससे भारत को एक ऐसे अनूठे भू प्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जो मानवीय हाथों से अनछुआ कहलाता था, वो है था मनोहारी चित्र शैली। औपनिवेशिक काल में दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ एक चलन प्रारंभ हुआ तैल चित्र, वह संधि जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया तथा उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। यह सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के दौरान वह राजस्व बंदोबस्त जिसके अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी थी। तो महलवाड़ी बंदोबस्त कोलकाता बंदरगाह था, हुगली नदी पर स्थित था। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ परिवर्तन हुआ था, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। अगला है वह भू राजस्व का वह समझौता जिसमें राजाओं और तालिकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी थी, स्थायी समझौता था। राजस्व बंदोबस्त का स्थायी व्यवस्था स्थायी भू राजस्व व्यवस्था या इस्तेमारी, ये दोनों एक ही हैं, को लागू किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति में बदलाव आता है तो उस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदारी सूती कपड़ों के छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए पारित किया था कैलिको अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में एक आधार स्थापित करने के लिए जहां फैक्ट्री अपना काम चला सके इसके लिए फैक्ट्री स्थापित की थी बंगाल में हुगली नदी के किनारे। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल के दीवानी राजस्व का उपयोग किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया वारेन हेस्टिंग पर। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल थी, तो पांडिचेरी।
राजाओं के पुत्र ना होने की स्थिति में भारतीय राज्यों की अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी हड़प का सिद्धांत, डलहौजी वाला हड़प का सिद्धांत। वो है गवर्नर जनरल जिसने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई तो लॉर्ड वेलेजली ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों का सामना करना पड़ा, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। नील खेती की दो प्रमुख प्रणालियां थी निज और रैयती। फकीर अजीजुद्दीन दीवान मोतीराम और क्लाउड आस्टम कोड के संबंध में समान है, महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी और कर्मचारी हुआ करते थे। आगे है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता का कारण था अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक ताकत। मुगल सम्राट के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। ये इतिहासकार हैं जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास इन्होंने पे काफी अच्छा लिखा है। आगे है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था तो आगरा का। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी वो तो हुगली। वो शासक का नाम बताएं जिसके वास्को डी गामा में व कालीघाट में स्वागत किया था, जमोरिन। वो यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे तो पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे तो पुर्तगाली ही थे। भारत में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह थे शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी, लुई चौदवा। अगला, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किस भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, लीवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। आगे, भारत में स्वतंत्रता के पूर्व गोवा अधिपत्य था तो गोवा अधिपत्य था पुर्तगाली शासन के। तो यहाँ पर सही क्रम मिलाने थे तो यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। सही, सबसे पहले पंजाब का विलय, सिक्किम, बर्मा और झांसी का विलय, इस तरह से कुछ विलय यहाँ पर दिए गए हैं। आगे यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ जल्दी से। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव मीर जफर ने किसकी अध्यक्षता में सेना भेजी थी, तो मेजर बूट। 1756 में फुलटा शब्द का संदर्भ आया, एक टापू का नाम था फुलटा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो श्रीरंगपट्टनम। प्रथम आंग्ल मैसूर की विजय हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली जीता था, द्वितीय में उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर टीपू सुल्तान आ जाते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीपुर में, यहाँ पर कुछ साफ नहीं दिखा। आगे देखो, इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो पीई रावर्स ने क्या है, खंडन किया है। आगे है, बंगाल के गवर्नर जनरल में तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध में कौन संबंध, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली, तो महाराजा रणजीत सिंह का कथन है। तो ये एक टीवी में भी आता था, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह करके, तो उसमें भी ये जो है डायलॉग बोला गया है। आगे है, रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। सिख राज का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। अब यहाँ पर सही सुमलित है। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालवाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769। तृतीय आंग्ल मराठा जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ, ये युद्ध था प्लासी का। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर से
विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध का आधार था, तो रूस का वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहनशाह आलम शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दी जाती है, तो लॉर्ड क्लाइव किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी, तो मीर कासिम थे। उस किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहली बार टिप्पणी की थी, कंपनी एक असंगठित है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है, तो जी बी मैकाले ने कहा था। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी दी गई थी मुर्शिदाबाद था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी राजधानी किसने, मीर कासिम ने। विलय के सिद्धांत के तहत जो है सही क्लब पहले सतारा है, बागाट है, उदयपुर और झांसी। आगे है डलहौजी से पहले हड़प नीति को लागू किसने लागू कर दिया था, मांडवी कोलावा जालौर एवं सूरत पर। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। लाल डलहौजी ने कुशासन के आरोप पर अवध का विलय कर लिया था 1856 ईस्वी में। रिंग फेस की नीति के नाम से जुड़ा है वारेन हेस्टिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले।